नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार शो कार रिसर्च में। दोस्तों आज हमारे पास आई हुई है बोलेरो पिकअप, जिसमें हम लगाने वाले हैं 9 इंच हैंडल फ्लेयर। विश्लेषण का पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे, किस तरह से हम कंपनी फिटेड फ्रेम को निकाल के अपना 9 इंच हैंडल फ्लेयर लगाने वाले हैं। ये प्लेयर क्वालिटी इसकी एकदम स्मूथ आएगी, वीडियो क्वालिटी फुल HD आपको देखने को मिलेगी। साथ में हम आपको दिखाएंगे कि प्लेयर हम कहाँ लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास न्यू फ्रेम है बोलेरो पिकअप का जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन किया जाता है। सो दोस्तों, ये है वो गाड़ी जिसमें हम लगाने वाले हैं 9 इंची एंड्रॉयड प्लेयर बोलेरो पिकअप। गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं, बिफोर इंस्टॉलेशन दिखाएंगे इसका डैशबोर्ड कैसा होता है और आफ्टर इंस्टॉलेशन फिटिंग के बाद लुक कैसा आता है। तो ये है इसका ओरिजिनल लुक जो कंपनी से आता है, इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिंगल डिन प्लेयर की जगह दी हुई है, ऊपर AC के ब्लोवर हैं। तो हम इसमें इसका प्रॉपर ये फ्रेम यूज़ करने वाले हैं। फ्रेम आप देख सकते हो, ऊपर एंड्रॉयड की जगह दी हुई है, उसके नीचे AC के ब्लोवर की जगह है और नीचे आपके जो वर्क करने के बटन होते हैं AC के स्पीड के, उसकी जगह दी हुई है। तो ये प्रॉपर फ्रेम है बोलेरो पिकअप का और हम इसको इसके अंदर इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे कि आफ्टर इंस्टॉलेशन प्लेयर का लुक किस तरह से आता है। ये देखिए, आपको आइडिया आ गया होगा, ये जो फ्रेम है प्रॉपर इसी ही गाड़ी का है। चलिए इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये जो बटन है, ये वाले, ये यहाँ से निकल के इसके अंदर आ जाएंगे। सो कंपनी ने इसमें छोटा प्लेयर लगाने की जगह दी होती है, जो नॉर्मल यहाँ पे लगता है। यहाँ पे आपका ये स्पेस मिल जाएगा आपको, AC के जो ब्लोवर निकल के यहाँ लग जाएंगे और हमारा 9 इंच हैंडल प्लेयर ऊपर की साइड आ जाएगा। पहले हम इसमें नीचे लगाते थे, लेकिन अभी हमारे पास प्रॉपर इसका फ्रेम है 9 इंची का, इसके लिए हम प्लेयर को ऊपर लगाएंगे। तो चलिए फिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको फिटिंग किया जाता है और आफ्टर इंस्टॉलेशन इसका लुक किस तरह से आने वाला है। सो दोस्तों, प्लेयर के साथ हम 6 इंची के स्पीकर भी लगाने वाले हैं। यहाँ सीट के नीचे हम 2 स्पीकर्स लगाने वाले हैं, जो 6 इंची के दो बॉक्स हैं, और बैक साइड में हम ओवल स्पीकर लगाएंगे 9 इंची के, जो यहाँ आएंगे इसके बॉक्स हमने यहाँ रखा हुआ है। AC के अंदर 9 इंची के 2 ओवल स्पीकर हम फिटिंग करने वाले हैं। तो ये हमने यहाँ से खोल लिया है, ये देखिए पूरा ओरिजिनल प्लेयर हमने खोल लिया है। अब इसके जो पार्ट्स होते हैं, ये देखिए हमने निकाला है यहाँ से, इसको AC के ब्लोवर को निकाला है, इसको यहाँ से निकाल के इसमें लगाएंगे अपने 9 इंची वाले फ्रेम में। इस तरह से इसको लगा देंगे ताकि कंप्लीट फिटमेंट ऐसी लगे कि आफ्टर मार्केट फिटिंग नहीं लगे, कंपनी फिटिंग जैसा ही इसका लुक आएगा। सो अब आप फ्रेम देख के समझ गए होंगे किस तरह से इसका फिटिंग होने वाला है। तो हम आपको दिखाते हैं वायरिंग हम इसमें कर रहे हैं स्पीकर की। 4 वायरिंग लेना पड़ती है, ये सारे बटन्स कंप्लीट फिट हो जाएंगे। तो ये स्पीकर वायर है जो हम इसमें लगा रहे हैं। 2 स्पीकर आएंगे फ्रंट साइड की सीट के नीचे और 2 स्पीकर आएंगे बैक साइड की सीट के नीचे। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन इसका जो लुक आने वाला है, कंप्लीट 70% वर्क हमने कर दिया है। अब इसको लगाने का जो तरीका है, देखिए हमने कंप्लीट सारे जो बटन हैं ओल्ड फ्रेम में से निकाल के, ओरिजिनल गाड़ी का जो ओल्ड फ्रेम है उसमें से निकाल के इसमें लगा दिए हैं। कंप्लीट प्लेयर फिट हो चुका है। अब इसका लुक आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से कोई गैप नहीं है, कंप्लीट फिटमेंट, कंपनी जैसी फिटमेंट आपको इसमें देखने को मिलेगी लेफ्ट साइड से राइट साइड से। और प्लेयर की टच क्वालिटी एकदम स्मूथ आती है। 2 GB RAM, 32 GB मेमोरी, 2 GB RAM, 64 GB मेमोरी सारे वेरिएंट हमारे पास मिल जाएंगे। बैक साइड से भी आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, कहीं से कोई गैप वगैरह नहीं आएगा, कंपनी फिटेड जैसी आपको इसमें देखने को फिनिशिंग मिलती है। कंप्लीट जो इसके बटन है वो भी वर्क कर रहे हैं। वीडियो क्वालिटी फुल HD, IPS पैनल डिस्प्ले है, P2P का ऑप्शन है। सो फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 9 इंच एंड्रॉयड प्लेयर का फिनिशिंग आप एक बार फिर से देख लीजिए, लेफ्ट से राइट से किसी भी एंगल से फिनिशिंग इसका काफ़ी अच्छा आता है। टच क्वालिटी एकदम स्मूथ है। ये बटन प्रॉपर वर्क करेंगे, जैसे आपके पहले वर्क कर रहे थे उसी तरह से ये सारे वर्क बटन कर रहे हैं। और ये कंप्लीट स्क्रू से फिटिंग हुआ है, जो दिखेंगे नहीं क्योंकि उसके ऊपर हमने कैप लगा दिया है। तो दोस्तों, ये था हमारा बोलेरो के अंदर ओरिजिनल फ्रेमिंग के साथ लगाने का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। कार शो कार एक्सेसरीज, वडोदरा, गुजरात।